नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड ऑफ पीडिया। नाउ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है कि जो जापान है वो सीरियसली इस बात को कंसिडर कर रहा है कि जो यूपीआई है उसको जापान एक्सेप्ट करेगा। नाउ आपको पता ही होगा कि जापान जो है वो कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशन है। तो अगर कोई इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशन आपके किसी कंट्री के प्रोडक्ट को, बेसिकली यूपीआई हमारे कंट्री का एक प्रोडक्ट ही है, वो हमारी एक डिजिटल ट्रांजेक्शन में अहम भूमिका निभाने वाली चीज़ है या फिर रीढ़ की हड्डी है, तो उसमें अगर जापान उसको एक्सेप्ट करना चाहता है तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और सिर्फ जापान नहीं, बल्कि 35 से 40 कंट्री ऑलरेडी जो है वो इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने वाली है, और जापान का इसमें एक्सेप्ट करना इसको बहुत ही एक बड़ी डील है। नाउ 35 से 40 कंट्रीज में बहुत सारी जो कंट्रीज है वो एडवांस कंट्रीज भी हैं, और मिडिल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज हैं, उसके साथ नेपाल, भूटान, बाकी श्रीलंका भी है। और अगर डेवलप कंट्री में, यूरोप में बात करें तो फ्रांस ने जो है यूपीआई को एक्सेप्ट किया है। नाउ जो इंडिया है वो ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट में पूरे वर्ल्ड का लीडर है। 2022 में 89.9 मिलियन जो ट्रांजेक्शन थे वो इंडिया में ही सिर्फ हुए थे, और ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि आज से 7-8 साल पहले देखा जाए तो इंडिया में इतनी कुछ डिजिटलाइजेशन नहीं थी, और सिर्फ 7-8 सालों के अंदर ही डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में टॉप करना, और इंडिया जो है वो 48% जो डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं पूरे वर्ल्ड में उसमें अकेले 48% इंडिया का होता है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। नाउ जो यूपीआई का एक सबसे बड़ा और एक्सपेक्ट है वो है रेमिटेंस कलेक्शन में। जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो यूपीआई है उसका जो एक्सेप्टेंस है वो गल्फ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है, और जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ पर इंडिया के बहुत सारे जो लोग हैं वो काम करते हैं और वो रेमिटेंस भेजते हैं इंडिया में काफ़ी ज़्यादा। जो गल्फ है वहाँ पर इंडियन जो लेबर हैं, बेसिकली जो और भी बहुत सारे लोग हैं वो गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, जैसे ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत और सऊदी अरेबिया, यहाँ पे इंडिया के बहुत सारे लोग काम करते हैं और यहाँ से बहुत सारा रेमिटेंस भी इंडिया में आता है। तो पहले जो मैकेनिज्म होता था वो स्विफ्ट का मैकेनिज्म होता था, और आपको पता ही है कि स्विफ्ट का मैकेनिज्म पे अमेरिका का कंट्रोल होता है, तो अब वो यूपीआई के थ्रू डायरेक्ट लोग इंडिया में पेमेंट भेज सकते हैं, और इससे जो अमेरिका के सैंक्शंस का खतरा है, अगर कभी अमेरिका के जो संबंध है वो इंडिया से खराब हो गए तो वो इंडिया पे उस तरह से सैंक्शन नहीं लगा सकता जैसे कि रशिया पे उन्होंने सैंक्शन लगा दिया और स्विफ्ट से बाहर करने की प्लानिंग कर ली थी रशिया को, तो इंडिया के साथ ऐसा नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ जो यूपीआई है उसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया की इकोनॉमी पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है। वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट इस पर आई थी कि जो इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही साथ यूपीआई के साथ जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने रुपे कार्ड भी लॉन्च किया था, और रुपे कार्ड के जो आने से जो मास्टर कार्ड और वीज़ा जो कि अमेरिकन कार्ड होल्डर्स थे और जो कि पैसा चार्ज करते थे लोगों से, उनका जो बिजनेस है काफ़ी ज़्यादा बंद हो गया, और रुपे जो कार्ड है उसकी एक्सेप्टेंस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। नाउ साल 2014 में अगर बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने रुपे कार्ड को लॉन्च किया था, और ये हमारा अपना होममेड कार्ड है, तो सबसे बड़ी बात है कि ये मेड इन इंडिया कार्ड है, और जिससे अगर अपना सामान थोड़ा ख़राब भी होता है तो चलता है, लेकिन यहाँ पे यूपीआई के साथ साथ जो रुपे कार्ड है वो तो वर्ल्ड क्लास है, तो ख़राब की तो कुछ बात ही नहीं होती इसमें। और जो वीज़ा और मास्टर कार्ड है उनका बिज़नेस इस कार्ड ने पूरी तरीके से खा लिया है। नाउ अगर रुपे जो कार्ड है वो सबसे पहली बात तो हमारा खुद का इंडियन कार्ड है, और इसको लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली, बहुत ही जल्दी जो है रुपे कार्ड पूरे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। आप मार्केट शेयर में देख सकते हैं तो वीज़ा का जो मार्केट शेयर था 60% था, 30% मास्टर कार्ड का और अमेरिकन एक्सप्रेस का 10% से भी कम, लेकिन रुपे कार्ड के लॉन्च होने के बाद 8 साल के अंदर ही जो 60% तक का मार्केट शेयर है वो रुपे कार्ड के पास आ गया। साथ ही साथ जो मोबाइल से पेमेंट कर लेते हैं यूपीआई के थ्रू, ये बहुत ही आइकॉनिक तो है ही। नाउ जो यूपीआई है उसने जो इंडिया के स्टार्टअप्स हैं उसको बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद किया है। जो काफ़ी ज़्यादा फिनटेक स्टार्टअप्स हैं जैसे कि पेटीएम हो गया और फ़ोनपे हो गया, इन सब को जो है यूपीआई से काफ़ी ज़्यादा बल मिला है, और बेसिकली ये जो स्टार्टअप्स हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करने और इंडिया के स्टार्टअप को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद की है। नाउ यूपीआई के इस बूम और एक्सेप्टेंस, वाइडली एक्सेप्टेंस को देख के आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।